आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक ट्रेडर कंप्लीटली अपना फंड स्पॉइल क्यों कर जाता है, क्या रीजन होते हैं उसके लॉसेस के, वो लॉसेस से कैसे बच सकता है, क्या सॉल्यूशन, तो हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स कॉपी में नोट कर रखे हैं जिसकी स्लाइड में आपको शेयर करूंगा, जो हम खुद उसको देखते हैं ट्रेड करने के लिए, सक्सेस ट्रेडर बनने के लिए वही चीज हम शेयर कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है व्हाई ऑप्शन ट्रेडिंग। तो सबसे पहला सवाल, आप ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हो? जैसे कि लोग कहते हैं कि एक ही दिन में या एक ही घंटे में ऑप्शन ट्रेडिंग आपका पैसा जस्ट डबल कर सकता है। तो ऑप्शन ट्रेडर ज्यादा पैसे के लिए, ज्यादा पैसा या ज्यादा रिटर्न्स के लिए की जाती है, और इसी लालच में लोग कम सीख के, आधा सीख के या जो चीजों को कम्प्लीटली न सीख के यहाँ नुकसान करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग में, लेकिन उसके लिए क्या जरूरत है? एक्स्ट्रा इमोशनल अटैचमेंट, ग्रीड एंड फियर। पहली बात, जैसे कि हमने बोला कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ग्रीड को लेके ही आए हो, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं, और जहाँ रिटर्न ज्यादा मिलते हैं ऑब्वियसली वहां पे आपको रिस्क भी ज्यादा होगा। लेकिन ऑप्शंस वैसे इंश्योरेंस की तरह ली जाती है लोगों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क लिमिटेड बताई जाती है। रिस्क लिमिटेड का मतलब ये होता है कि आपका 100 रुपए का ऑप्शन है तो 100 रुपए से 0 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो रिस्क लिमिटेड है। ये 100 रुपए का 1200, 1800 रुपए पहुंच जाएगा या 600 रुपए पहुंच जाएगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो अनलिमिटेड रिटर्न है। तो यहाँ पे एक ग्रीड और बढ़ जाता है। जब आप कोई ट्रेड लेते हो, वो ट्रेड आपका अगर 70, 80, 50 रुपए पे आ जाए तो आपका डर, ये नुकसान तो हो रहा है वो टॉलरेट कर चुके हो, तो अगले नुकसान से आप डरते नहीं हो कि ज्यादा ज्यादा 50 का 0 हो जाएगा, कुछ नहीं, ओवर अटैचमेंट कर लेते हो, एड ऑन कर लेते हो कि 50 ही तो है, और अगर ये 100 भी होगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये रिस्क को बढ़ाता है और हम उससे लॉस कर जाते हैं। तो हमारा ये एक्स्ट्रा इमोशनल अटैचमेंट होता है, ग्रीड और फियर का लालच होता है, ये भी लॉस में हमारे अकाउंट को खोने का कारण बनता है। तीसरा हमारा पॉइंट है एनिमी ऑफ ऑप्शन बायर। बायर्स के लिए ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन सेलर की जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऑप्शन बायर के जीतने के चांसेस कम होते हैं। यानी कि 95% टाइम ऑप्शन सेलर का मार्केट होता है, कैंडल कोरिलेशन में जिसको हम बताते हैं, और 5% मार्केट ऐसा होता है जो मोमेंटम्स मार्केट अटेंड करता है, यानी कि मार्केट चलता रहेगा चलता रहेगा, 5% ही मार्केट ट्रेंडी होता है और 95% मार्केट रेंज में रहता है। ऑपरेटर्स, थीटा, डेल्टा, ये सब चीजें आप समझ नहीं सकते हो, इसके ऊपर एक्स्ट्रा रिसर्च आप लोगों के द्वारा की जाती है कि डेल्टा क्या है, थीटा कैसे ऑपरेट करेगा ऑपरेटर, इन चीजों के बेस पे आप ट्रेडिंग के प्लान नहीं कर सकते हो। हम जानते हैं कि ऑप्शन में थीटा डिके होता है, बस हमें उस प्रोस्पेक्टिव से इतना पता है कि सेलर बेनिफिट उसी का उठाता है, बायर के लिए वो डिसएडवांटेज है, हमारे लिए ये एनिमी है अगर हम इस साइड ज्यादा पढ़ते हैं तो। इससे अगला पॉइंट है मिस मैनेजमेंट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ तक हम क्लियर होते हैं अपने विजन वाइज कि क्यों आए हैं, क्या चीजें हमें इम्पेक्ट करेंगी, किन चीजों पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना और कैसे हमें अपने अकाउंट को मैनेज करना है। तो तीसरे पॉइंट में हम सीखेंगे ओवर ट्रेडिंग। आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका एक मैनेजमेंट होना जरूरी है, मिस मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए कि आप डिसाइड करो कि मेरी ट्रेडिंग, देखो ओवर ट्रेडिंग मेरी नजर में ओवर ट्रेडिंग होती है वो ट्रेड जिस ट्रेड का कोई लॉजिक और कोई स्टोरी आपकी स्टडी के ऊपर नहीं है, जो आपने सीखा है उसके बाहर कुछ कर रहे हो, या कोई नया नया सीखा है वो तुरंत अप्लाई कर रहे हो, जो पूरी तरह से रिसर्च नहीं किया गया वो अप्लाई कर रहे हो, वो ओवर ट्रेडिंग है। आपके कॉन्सेप्ट पे अगर आपकी 5 ट्रेड बनती है डे की, तो आप 5 ट्रेड करो, 50 ट्रेड बनती है तो आप 50 ट्रेड करो, ओवर ट्रेडिंग नहीं है। डे की पहले वो ट्रेड जो आपके सिस्टम्स पे नहीं है वो भी ओवर ट्रेड है, यानी कि वो ट्रेड जो आपकी स्टोरी बेस्ड नहीं है, जिसकी स्टोरी आपके पास नहीं है, जो आपने रिसर्च नहीं कर रही, वो चीज आपका ओवर ट्रेडिंग, ये मिस मैनेजमेंट होगा, ये लॉस का बड़ा कारण बनता है और फाइट का कारण भी बनता है। लॉस मेक्स मोर लॉसेज, ठीक है, ये भी एक थ्योरी है कि लॉस अगर आप लेते हो तो अग्रेसिव होकर और लॉसेज का कारण बनता है, आप अपने आप को स्टॉप नहीं कर सकते। जिस दिन आपका एक मैनेजमेंट के अंदर जितना प्लान रिस्क है वो आ जाए, उसके बाद में हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन हमारा साइकोलॉजी इम्पेक्टेड रहेगा, क्योंकि नॉर्मली मैं भी जब मार्केट को स्टडी करता हूँ, चार्ट रीडिंग करता हूँ, तो मेरा अगर प्रॉफिट और लॉस या मेरी रनिंग ट्रेड का प्रॉफिट और लॉस मेरे साइकोलॉजिकली रीजन से मेरे चार्ट की रीडिंग पे इम्पेक्ट करता है, ट्रेड बाय करने के बाद में मेरे को बाइंग व्यू के अकॉर्डिंग या उसके बैरियर के अकॉर्डिंग मार्केट ज्यादा दिखना स्टार्ट होता है। जब कोई ट्रेड नहीं होती है तो वो हमें इजीली एक सही फ्लो में सही चीजों को समझ में आता है, बाय और सेल देखने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मार्केट में हमें किस चीज से इम्पेक्ट नहीं होना, लॉसेज का एक क्राइटेरिया रखना है, उससे इम्पेक्ट नहीं होना। हाँ, एक चीज और रहती है, मार्केट में आपका प्रॉफिट मैनेजमेंट भी होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट को आप डिवाइड करके कम पार्ट में लगाओ, प्रॉफिट
मार्केट में आपको असावधान बनाता है, यानी कि असचेत बनाता है, जिसमें आप गलत ट्रेडिंग की तरफ बढ़ जाते हो। आप उसमें रिस्क ज्यादा लेने के आपने स्टार्ट किया मे बी 25 की साइज और 50 की साइज से, और आपने आज 3,000 रुपये कमाया, और 3,000 के प्रॉफिट के सरफेस में आपने 100 या 150 की साइज आपने फ्लोट कर दी, और उससे आपका नुकसान 2,000 का इकट्ठा हो गया। तो ये 1,000 रुपये की कमाई में 2,000 रुपये का जो आपका कम होना, ये आपको फाइट की तरफ लेके जाएगा। तो प्रॉफिट मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। प्रॉफिट के साथ साइज बढ़ना नहीं चाहिए। पिरामिडिंग हम करते हैं, लेकिन पिरामिडिंग प्लान का हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट की वजह से कई बार हम नई ट्रेड अधूरे डिसीजन पे या आधी मेकिंग स्टोरी पे, जिसमें हमें 3 पॉइंट कंफर्मेशन के लिए चाहिए, वहां 1 पॉइंट के अटैचमेंट पे भी हम ले जाते हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट फैक्टर से उसको समझते हैं कि अभी आज प्रॉफिट है तो ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना, कंप्लीट स्टोरी पे ही ट्रेड करना है। अगर स्टोरी कंप्लीट है तो भी हमें उसका पूरा पार्ट अगली ट्रेड पे नहीं लगाना चाहिए, कुछ सेफ रखना चाहिए। तो ये हमारा मैनेजमेंट का और लॉस का पार्ट हो गया, जिसको हमें ध्यान रखना होता है। अगला होता है आपका ये हाफ बेक्ड नॉलेज। जैसा कि हम किसी चीज को सीखने से पहले हमें एक प्लान करना होता है। प्लान क्या कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो बिजनेस कैसा है। जैसे कि मैं शेयर मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ, जो कि एक हैवी रिस्क की बिजनेस है, और अगर वो रिस्क बिजनेस है और आप उसका नॉलेज नहीं रखते हो, तो सबसे पहले अपने फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उतना ही फंड लेके जाओ जिसको आप इजीली रिस्क ले सकते हो। जैसे कि 5,000 रुपये के फंड से आपने स्टार्ट किया, मिनिमम आपके पास 5 लाख रुपया भी है तो भी आप 5,000 रुपये लेके जाओ मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि जब आपको नहीं आता तो सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका मार्केट ही होगा, क्योंकि वहां ग्रीड और फियर के ट्रैप्स बिछे हुए हैं जो आप बाद में समझोगे एक ओवर द टाइम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है जब तक आप मैच्योर नहीं होते। तो कम से कम फंड पे सबसे पहले प्लान करोगे ना, तो उस प्लान में आप अपना फंड का मैनेजमेंट करोगे कि कम फंड के साथ में मैं, और ये तैयार रहोगे कि ये जाने वाला है, ये रिस्क है, तो यही आपको लर्निंग देगा। आप उसमें सावधानी ज्यादा रखोगे चीजें, और लर्निंग कंप्लीट होने के बाद, हमेशा अधूरी नॉलेज एक घातक नॉलेज होता है, न जाना हुआ भी इतना घातक नहीं होता जितना कि अधूरा नॉलेज घातक होता है, तो वो आपके बड़े लॉस का कारण बन जाता है। कई बार सही चीजें भी सही नहीं चलती हैं जो फाइट का कारण बना देती हैं, और आप अधूरा नॉलेज रख रहे हो तो आपने उसके डिसएडवांटेज नहीं देखे, तो आपने उसके अच्छे अच्छे पार्ट को देखा, और जब आपने किया तो उसके डिसएडवांटेज आपके फाइट का रीजन बन गए, और उसकी वजह से आपने एकदम से स्ट्रेटेजी को बदल दिया कि सब कुछ अच्छा अच्छा किया लेकिन मार्केट फिर भी हमें नुकसान दे के चला गया। यानी कि सब कुछ बढ़िया किया है, बढ़िया स्टडी करी थी, लेकिन अधूरी नॉलेज होने की वजह से उसकी कई चीजें ऐसी होती हैं जो आजमाने पे या उनको यूज करने पे ही पता चलता है, वो हमें डायरेक्टली नहीं दिखती हैं। जैसे ग्रीड फियर, और हमारी ट्रेड जहाँ कटती है वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है, लॉस लेता है, ये सब चीजें हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों पे हमें प्लान करना चाहिए। तो हमें नॉलेज को कम्प्लीटली एक जगह से आप नॉलेज पूरा लो, नॉलेज लेके उसी नॉलेज को अप्लाई करो। आप अपने ड्यूरिंग द इंट्राडे ट्रेडिंग एक डिसाइड मॉर्निंग में कर लिया कि ये सेटअप पे मैं ट्रेड करता हूँ, उससे दूसरा सेटअप आपको 1 से 1 लाख रुपए दे तो भी आपको अटेंड नहीं करना। आपके डिसाइडेड मैनेजमेंट के ऊपर आपको चलना चलना होगा, मिसमैनेजमेंट नहीं। तो ये हो गया हमारा ये। अगला होता है हमारा प्रॉफिट हैंडलिंग, जो कि मैंने अभी बताया कि प्रॉफिट और लॉस को भी इनवाइट करता है। ठीक है, तो उसकी हैंडलिंग बहुत जरूरी है, उसमें आपका मैनेजमेंट कितना पार्ट कैसे। इसके बाद में आता है ओवर कॉन्फिडेंट। कई बार हम किसी प्लेस को लेके बहुत ज्यादा टेस्टेड किए हुए हैं और उस पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यहाँ से 100% ऊपर जाएगा, 100% लिख के रो ऊपर जाएगा, ये चीज हमेशा अच्छा रहता है, पर हमारे मैनेजमेंट से बाहर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं जाना चाहिए कि आपने सब कुछ वहां लगाया एक रिस्क और उसी टाइम आपका गलत हो गया। आप 99% भी किसी चीज में एक्यूरेट रहते हो, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते, क्योंकि 100% मार्केट ही रहेगा। जिस चीज को आप 99% समझते हैं, वो 1%, कम से कम 1% तो होगा ही होगा जो आपकी रिस्क रहेगी, और वो 1% कभी भी हो सकता है। इसलिए कोई भी 100% नहीं है, मैं और मार्केट में कोई भी 100% नहीं है, सिर्फ मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, मे बी अप मे बी डाउन। उसकी प्रोबेबिलिटी में ज्यादा एक्यूरेसी बनाने के लिए हम प्राइस एक्शन को लर्न करते हैं कि ये 50-50% के चांस को हम 50 से और ऊपर कितना ले जा सकते हैं। इसलिए प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, रिटेलर माइंडसेट, ये सब चीजें रीड करते हैं। तो ये ध्यान रहे कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, हमेशा 100% कोई नहीं हुआ। डिपेंडेंसी, ठीक है, एक होता है डिपेंडेंसी, ये बहुत बुरी चीज है।
क्योंकि यहाँ पे आते हो आपको, आपने कोई सिस्टम अपनाया, उसके अपने उतार चढ़ाव हैं जिसमें आपने थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट की वजह से लॉस किया, आप डिपेंडेंसी पे आ जाओगे। कोई टेलीग्राम चैनल्स के टिप्स ट्रिक्स लेना स्टार्ट कर दोगे, या कहीं से किसी कंपनी से आप लेते हो, वो सब चीजें आपके कॉन्फिडेंट की नहीं है। देखो, ट्रेडिंग कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस का गेम भी है और एक सही लर्निंग का गेम भी है, क्योंकि सही लर्निंग को बार बार करने पे एक एक्सपीरियंस आता है और उस एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंट आता है। उसी कॉन्फिडेंस से आप ट्रेड में ट्रेल करके बढ़िया पैसा कमा सकते हो। किसी दूसरे के द्वारा दी गई ट्रेड वो चिल्लाता रहेगा कि देखो मैंने 200 से दिया, अब 250 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 600, वो हर एक एक पॉइंट पे चिल्लाएगा। लेकिन हम उस पॉइंट पे, हम कौन से पॉइंट पे करें, वो 201 से 203 होगा ना तो भी बोलेगा 2 पॉइंट बढ़ गया, या 210 होगा तो भी बोलेगा, और 400 होगा, 800 होगा तो भी बोलेगा, वो दिखाता रहेगा। और ये सब आपके माइंड सेट को बहुत ही साइकोलॉजिकली डेप्थ से अटैक करता है, क्योंकि कोई ट्रेड 200 से 600 वो गा रहा है और आप 200 से 210 में निकल गया, नेक्स्ट टाइम वो 200 से 220 ही गया, और बाद में लो एसएल के डायरेक्शन में बहुत नीचा चला गया, लेकिन वो एसएल गिनाएगा। आप ये कहोगे कि इस बार मैं 500 600 क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि वहां पे मल्टीपल टारगेट्स पोस्ट किए जाते हैं, बहुत सारी उलझने होती हैं, डिपेंडेंसी होती है, कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। तो ये चीजें कभी भी आपको ऊपर नहीं, आपके ग्राफ्स को गिराएंगी। तो हमें बचना चाहिए टेलीग्राम के टिप्स प्रोवाइडर से भी, ठीक है। तीन तरह के कंट्रोल मैं बताऊंगा, ये सब चीजें आपने ध्यान दी। देखो, सुनना एक अलग बात होता है, मैं कहता हूं कि ये एक स्टोरी है, आप इसको ट्रेड करो, लेकिन कभी भी आप अपने आप को जज करते हो कि क्या मैं स्टोरी पे ट्रेड कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। अब कंट्रोल में यही चीज आप सीखोगे। देखो, इसमें सबसे ये पहला पॉइंट आता है, ट्रीट एज ए बिजनेस। आप इसको ट्रीट द ट्रेडिंग एज ए बिजनेस, क्योंकि ये एक बिजनेस ही है। बिजनेस के अंदर कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं रहता। बिजनेस में बिजनेस खुद से ऑपरेट किया जाता है, डिपेंड होके नहीं किया जाता। जो डिपेंड होगा वो मालिक नहीं होता, वो हमेशा एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय को सब चीजें बनी बनाई चाहिए, उनको टूल, चीजें, थिंग, सब कुछ बनी बनाई चाहिए होते हैं, और वो 95% तादाद है वर्ल्ड के अंदर। और जो 5% बिजनेस है वो बनी बनाई चीजों पे नहीं, वो चीजें बनाने में यकीन करते हैं, मार्केट के ट्रेंड को लीड करते हैं, आने वाले फ्यूचर को, फोरकास्ट को वो फोरकास्ट करते हैं, और उसी बेस पे वो अपने प्लान्स को अक्यूमुलेट करते हैं। तो हमें भी, हमने अपने बिजनेस के लिए अपने प्लान्स अक्यूमुलेट करने चाहिए, किसी चीज पे डिपेंडेंसी नहीं। और जो चीज भी मैं अपनी चीज में, अपने यानी कि अपने बिजनेस में ला रहा हूँ, वो कितना इम्पेक्ट करेगी फ्यूचर पे, वो हमें इवेल्युएट करना चाहिए। ट्रीट एज ए बिजनेस, इसे ऐसे ही नहीं तुक्के में, कोई आज ये आजमाइश, कल ये आजमाइश, परसों ये आजमाइश, पहले बड़ा फंड, फिर छोटा फंड, फिर और छोटा, फिर हम खत्म हो गए, कहीं से और प्रॉफिट लेके, कहीं से कोई लोन लेके आएंगे, फिर लगाएंगे, ये उल्टा करो। स्टार्ट हमेशा छोटे फंड से करो, बड़ा फंड पीछे बैकअप में रखो, छोटे छोटे फंड को गवा के आप नॉलेज बढ़ा लोगे और बाद तक भी आप बचे रहोगे। स्टार्टिंग में बड़ा फंड गवाओगे, नॉलेज के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मार्केट से कोई नहीं जीता, जिसका एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस होता है वही जीत पाता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो ये चीजों का ध्यान रखेंगे, ट्रीट एज ए बिजनेस। दूसरा है सेल्फ सपोर्ट, जिसकी मैं बात आपको अभी कर ही रहा था। यहाँ पे सपोर्ट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ये हमारा स्ट्रेंथ है यानी कि अपनी मजबूती, ये अपनी वीकनेस है कमजोरी, ये अपॉर्चुनिटी है यानी कि संभावना है, ये भय है हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको रेगुलरली एनालाइज करना चाहिए, और रेगुलरली करना चाहिए, 10 से 15 मिनट हमेशा करना चाहिए। सपोर्ट हमें सिखाती है, लाइफ में भी बहुत कुछ सिखाती है और ट्रेडिंग में भी, मैंने बहुत ज्यादा इस चीज को अमल करके मैं आगे बढ़ा हूँ। सपोर्ट हमें सिखाएगी कि आपने आज 10 ट्रेड किया, क्या आपने मॉर्निंग में डिसाइड किया था कि आपका ये प्लान पे आपको ट्रेड करना है, आपने उस प्लान से हटके ट्रेड किया, यानी कि आपकी स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग थी या मल्टीपल स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग थी। कहीं आपने 4 महीने पहले कुछ सीखा और अचानक से आपने आरएसआई प्लॉट कर दिया ईएमए के साथ में, और जो जज नहीं है, ठीक है, और ऐसा कोई प्लान नहीं है वो डाल के आपने ट्रेड किया, तो ये मिसमैच चीजें हैं। तो आपने जो प्लान किया वो प्लान आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि आपका प्लान आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। आपके हर चीज में, हर इंसान में भी कमजोरी और खूबी होती है, जब वो बीमार होता है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो हर ट्रेड स्ट्रेटेजी का भी एक पॉइंट होता है जो उसकी वीकनेस होती है, यानी कि मान लो कि उसकी एक वीकनेस है, वो वीकनेस आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं ईएमए की बात करूँ, उसकी वीकनेस रेंज मार्केट है, यानी कि साइडवेज मार्केट। तो हमारे पास साइडवेज मार्केट का अगर सॉल्यूशन है तो मैं इस इंडिकेटर को एज ए ट्रीट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फिर लीड करूंगा,
ये मुझे लीड नहीं करेगा। जब ये मुझे लीड करेगा तो मैं एम्प्लॉय, और मैं अगर इसको लीड कर रहा हूँ मुझे पता है कि इसके लिए मैं क्या बनाऊँ। जैसे हमारी स्ट्रेटेजी में पीओसी बनाते हैं, तो पीओसी एरियाज में ये लेटा रहेगा तो हम उसको नहीं करते। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है एडिशनल में, तो हम उस चीज को लीड कर रहे हैं, नहीं तो हम लीड हो रहे हैं किसी और के बेस पे। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो वीकनेस क्या है, हमें हमारी स्ट्रेटेजी की वीकनेस पता होना चाहिए, उस वीकनेस के साथ में आपके पास उस चीज का सॉल्यूशन होना चाहिए। फिर ये चीजें आपके पास कंप्लीट हैं, उसकी संभावनाएं जो हैं जिस पे आपका रिसर्च हमेशा चलता रहेगा उस स्ट्रेटेजी पे, वहां आप जो संभावना उनको एड ऑन करो। बट एड ऑन आप, जैसे आपकी स्ट्रेटेजी 100% है, कभी भी 5% से ज्यादा एड ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके रिजल्ट देखने होते हैं। 5% से आपका बहुत बड़ा रिजल्ट भी इम्पेक्ट कर सकता है, इसलिए हमेशा थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट होता है। रिसर्च ज्यादा होती है, रिसर्च 90% होगी, इम्प्लीमेंट 5% ही होगा। ये हो गया वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ठीक है। ये सारी चीजों में स्वॉट में हम ध्यान रखेंगे अपना, भाई अपने कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा। जब ओवर द टाइम आप ट्रेड करते रहोगे करते रहो करते रहो, एक समय के बाद आपका एक्सपीरियंस आपको भय से दूर करता है। आज आप साइकिल चलाओगे, पहले दिन आप साइकिल को नहीं चला सीख के चला सकते, आपको टाइम बिताना पड़ेगा, कईयों बार गिरना पड़ेगा। सारी जानकारी इस टूल की है, इस सिस्टम की है, तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, मतलब सही से नहीं चला सकते सक्सेस। उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ट्रेडिंग वही एक्सपीरियंस की डिमांड करता है, कॉन्फिडेंस की डिमांड करता है, तो वो टाइम लेगा। इसलिए हमेशा छोटे फंड से बड़े फंड की तरफ बढ़ो, क्योंकि सब कुछ आते हुए भी आप छोटे फंड से बढ़ो, बड़े फंड से नहीं, ठीक है। ये हो गया अपना सेल्फ सपोर्ट। लास्ट है माई चार्ट माई मेंटर। मैं आपको यही कहूंगा कि कोई भी आपका मेंटर नहीं है, शायद आपका कोई गाइड हो सकता है, मेंटर कोई नहीं होगा। मार्केट का चार्ट ही आपका मेंटर है, जो उसने किया वो रियल नॉलेज है, जो सिखा रहा है मे बी वो उसके दिमाग का खेल हो, या फिर मे बी वो उसकी समझ हो जो शायद आपको अप्रेच ना करे। कोई 10 मिनट पे ट्रेड करता है, कोई 1 मिनट पे, कोई वन डे पे, कोई स्विंग करता है, कोई इंट्राडे, सबके नेचर अलग अलग है, किसी का नेचर हमसे न मिले, जरूरी नहीं उसकी लर्निंग भी हमें मैच करे। इसलिए मार्केट की लर्निंग आपको मैच जरूर करेगी। आपने कोई सिस्टम बनाया, आपका मार्केट बताएगा, तो मैंने माई चार्ट माई मेंटर पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको वॉच करके ये चीजें सीख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में दिया गया है। अगर ये चीजें आप ध्यान रखते हो, क्योंकि नॉर्मली सभी ज्यादातर ट्रेडर इन चीजों को अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। और वो अवॉइड क्यों करते हैं, ये बोरिंग लगता है, प्रॉफिट ही अच्छा लगता है, सिर्फ एक दिशा में देखते हैं। जैसे घोड़े के सामने हम एक नाल बांध देते हैं, उसको एक दिशा में ही दिखाई देता है, तो वैसे हमें एक दिशा में, तो वैसा नहीं करना। बिजनेसमैन हमेशा हर तरफ फोकस रखता है, हर पहलू पे, एक स्ट्रेटेजी पकड़ के नहीं बैठता, उसको हर दिशा में नॉलेज रहता है। तो मार्केट डायनेमिक है, मार्केट डायनेमिक है, क्रिटिकल भी है, उसको समझने में टाइम भी लगता है। ये प्रोफेशन को आप सक्सेस कर लेते हो तो एक डॉक्टर, इंजीनियर और सारे प्रोफेशन छोटे हो जाएंगे, ये बड़ा प्रोफेशन। और नहीं सक्सेस करो तो ये इतना बुरा है कि आपको जीरो कर देगा, कितना भी पैसा आप लेके आओ।